मैंने आज इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स स्टार्ट करने वाली हूँ। इनकम टैक्स की वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत डिमांड आई है कि मैम आप इनकम टैक्स की वीडियोस बनाएं। तो आपको मैं बता दूँ, आप जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और आप इनकम टैक्स को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल। अगर आप ट्राई करोगे तो आप कंप्लीट कर सकते हो, पर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए कि आपको पास होने जितने मार्क्स आ जाए, फिर आप उसके आगे का करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर मैं आपको पास होने से ज़्यादा मार्क्स, मतलब आपके 80 तक आपके मार्क्स आ जाए उतना करवाऊंगी। तो आपको मैं बता दूं, मैं कौन कौन से चैप्टर्स इस चैनल पे अपलोड करूंगी। वो चैप्टर्स है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन है कि इनकम टैक्स क्या होता है। फिर दूसरा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर सेकंड, रेसिडेंट स्टेटस। रेसिडेंट स्टेटस में ये बताया जाता है कि इनकम टैक्स कौन कौन देगा, मतलब कौन कौन कैपेबल है इनकम टैक्स देने का। ये सब कुछ इसमें कंडीशंस होती है, वो पढ़ेंगे अपन। तो ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है, वो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे कि आपको एक इनकम फ्रॉम सैलरी वाला भी चैप्टर है। तो इन दोनों तीनों चैप्टर में से आपके दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। तो वो एक क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से आएगा ही एग्जाम में। तो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड अच्छी तरह करना है, और मैंने इस चैनल पे चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको अपलोड कर दिया है। आज मैं चैप्टर नंबर सेकंड करवाऊंगी, रेसिडेंटल स्टेटस। इसी तरह मैं यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में आपको हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट करवाऊंगी और डेप्रिसिएशन करवाऊंगी। बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि इसमें आपको पहले पासिंग मार्क्स जितने आपके कवर हो जाए वो करवाऊंगी, और सिंपल चैप्टर सही है। और आपके लास्ट ये थर्ड चैप्टर है यूनिट नंबर फोर्थ में, मैं आपको ये भी करवाऊंगी। तो इस चैनल पे आपको यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपके तीन क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको एक सिंगल वीडियो में आपको चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो आपको मैं बता दूं, रेसिडेंटल स्टेटस। रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो इंडिया में रह रहा है या बाहर रहता है। तो अगर वो इंडिया में रहता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर बाहर रह रहा है इंडिया का पर्सन तो वो टैक्स देगा या नहीं देगा। तो ये सब कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले चैप्टर बढ़ाने से पहले आपको सेक्शंस बता देती हूँ कि सेक्शंस में क्या बताया है। कि सेक्शन आपके सेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, पर मेन सेक्शन है सेक्शन 5 to 9। तो 5 to 9 आपके सेक्शन 5 में आपको बताया है कि टोटल इनकम के स्कोप्स क्या क्या है, वो आपके सेक्शन 6 में बताया है। रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है वो सेक्शन 6 में बताया है। तो अपन जो भी अपन यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर में तो वो सेक्शन 6 से रिलेटेड पढ़ेंगे। सेक्शन 7 में आपको इनकम डीम टू बी रिसीव, इनकम कहाँ कहाँ से रिसीव होगी वो आपको सेक्शन 7 में बताया है। और डिविडेंड के लिए आपको सेक्शन 8 में बताया गया है। और सेक्शन 9 में आपको इनकम डीम टू अक्रू की जो इनकम है वो कहाँ से अराइज होगी इंडिया में और कहाँ का बकाई गई है, तो ये सब कुछ आपको सेक्शन 9 में पढ़ेंगे। तो आपको बता दूँ, रेसिडेंटल स्टेटस को आपको हर साल क्वेश्चन आता है। 2021 में क्वेश्चन आया था कि आपको व्हाट इज रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है। ठीक है, तो आप बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में कि इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है लाइबिलिटी, कि इनकम टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इनकम के बेसिस पे देखा जाए तो कौन कौन लाइबल है इनकम टैक्स पे करने के, तो वो दो तरीके के पर्सन होते हैं, दो तरह की इनकम होती है जिस पर टैक्स लगता है। पहला है इंडियन इनकम, इंडियन इनकम, और दूसरा है फॉरेन इनकम। तो इंडियन इनकम से पता चला होगा कि इंडिया में कमाने वाली इनकम वो क्या हो गई आपकी इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम मतलब फॉरेन में कमाने वाली इनकम, ये हो गई। पर इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस भी होती है कि अगर फॉरेन का पर्सन है और इंडिया में आके अर्न कर रहा है तो उसे भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो वो भी क्या हो गया आपकी फॉरेन इनकम हो गई। तो इसी तरह जो इंडियन इनकम होते हैं दो तरीके के होते हैं, वो होते हैं कि वो या तो इंडिया में रहकर क्या कर रहा हो, इंडिया में रहकर
अर्न कर रहा हो इनकम, या इंडिया से बाहर जाके अर्न कर रहा हो, पर वो क्या हो, इंडियन हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उसे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं, इंडियन इनकम इट इज टैक्सेबल फॉर एवरी पर्सन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। मतलब जो इंडियन इनकम होती है इसमें क्या होता है, जो अगर वो इंडिया में रहता है या इंडिया के बाहर रहता है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होती है आपकी इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम क्या होती है, इट टैक्सेबल डिपेंड्स अपॉन इज रेसिडेंटल स्टेटस। रेसिडेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। अब रेसिडेंट स्टेटस क्या होता है, वो आपको अलग अलग, जैसे कंपनी की रेसिडेंट स्टेटस अलग होती है, इंडिविजुअल की अलग होती है, आपकी HUF की अलग होती है, ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे। तो व्हेन इनकम, अब इंडियन इनकम में होती है कि इनकम दो तरीके की हो सकती है, अराइज इन इंडिया, या इंडिया में अर्न कर रहे हो, या और डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, या अर्न होने वाली है इंडिया में, तो वो भी आपकी इनकम माना जाएगा। इस पे भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। डीम और रीम्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या इंडिया में रिसीव होने वाली है, वो आपके किस में है, उस पे भी टैक्स लगेगा। तो ये हुआ कि इनकम दो तरह की होती है, एक तो इंडियन इनकम, एक फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम कौन सी होती है, जो इंडिया में कमाने वाली होती है, और इंडियन पर्सन जो बाहर जाके अर्न करता है और उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा, वो हो गई आपकी इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम को आपको देखा जाए तो इसमें एक कंडीशन बनती है कि फॉरेन पर्सन अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो उस पर भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो ये थी आपकी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, और नॉन रेसिडेंट क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ सकते इस चैप्टर को। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंट जानने के लिए उनके लिए दो कंडीशन अप्लाई की गई है इनकम टैक्स के द्वारा। तो इनकम टैक्स बोलता है कि अगर जो पर्सन वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है, बेसिक की दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है और एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर देता है, मतलब अगर वो चारों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो उसे क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक कंडीशन दो होती है, अभी बेसिक कंडीशन कौन कौन सी होती है वो मैं अभी बताऊंगी। अब एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर देता है, मतलब बेसिक कंडीशन की दोनों फुलफिल कर दे और एडिशनल की दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे, तो वो कौन सा होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर वो बेसिक कंडीशन, मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी, और एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता एक भी, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी। अगर वो बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता और एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता तो वो क्या होता है, नॉन रेसिडेंट हो जाता है। तो अभी बेसिक कंडीशन क्या होती है और एडिशनल कंडीशन क्या होती है, बस आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी क्या करता है, सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, चाहे वो बेसिक हो या एडिशनल कंडीशन हो। पर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, ओनली एक बेसिक कंडीशन ही फुलफिल करता है, एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता एक भी। और नॉन रेसिडेंट ना बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है, ना एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है। अब इसका एक टैग मिल जाता है कि कौन ऑर्डिनरी है और कौन नॉन ऑर्डिनरी है और कौन नॉन रेसिडेंट है। अब देखते हैं, अब जैसे ये आपके सामने ये टेबल शो हो रही है, ये टेबल है इंडिविजुअल की, मतलब किसी भी पर्सन का रेसिडेंस निकालना हो, रेसिडेंटल स्टेटस निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर वो दो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो ऑर्डिनरी हो जाता है। तो जो बेसिक कंडीशन है वो है क्या, उसमें ऐसे बोला है, अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 डेज रह जाता है या उससे ज़्यादा रहता है प्रीवियस ईयर में, मतलब जो पिछला साल गया है, पिछले साल जो गया है उस ईयर में अगर वो 182 डेज रह जाता है या उससे ज़्यादा रह जाता है तो उसकी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, मतलब आपकी पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, उसकी दूसरी कंडीशन है, इफ़ द एसएससी रिसाइड इन इंडिया, अगर कोई एसएससी इंडिया में रहता है फॉर अ पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए, और पीरियड अमाउंट इन ऑल टू 365 डेज और मोर विद इन द 4 ईयर्स, मतलब अगर जैसे आप इनकम टैक्स में 2022
की 2022 में क्या है इनकम टैक्स दे रहे हो, तो इनकम टैक्स किस पे लगता है, प्रीवियस ईयर पे, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया 2021 हो गया, तो 2021 से पिछले 4 साल में अगर वो 365 डेज रह जाता है इंडिया में, तो वो क्या होगा आपका सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर देगा। देखो क्या बोल रहा है, अमाउंट इन ऑल टू 365 डेज और मोर, 365 डेज रह जाता है या उससे ज़्यादा रह जाता है विद इन द 4 ईयर, कब 4 ईयर के अंडर में, मतलब पिछले 5-4 साल के अंडर में अगर 365 डेज रह जाता है तो वो सेकंड कंडीशन भी क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। तो एंड ही रिसाइड इन इंडिया 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, अब इसमें क्या होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि पहली बेसिक कंडीशन में ये बोला गया है, अगर कोई पर्सन पिछले ईयर में, प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में 182 डेज रह जाता है या इससे ज़्यादा रह जाता है तो वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है। बेसिक कंडीशन फर्स्ट, बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन फुलफिल कर देता है। अगर वो क्या करे पिछले, अगर वो पर्सन पिछले प्रीवियस ईयर में कितना रहे, प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे और एंड प्रीसीडिंग, मतलब पिछले 4 ईयर्स में कितने दिन रहे, 365 डेज रहे, तो वो क्या करता है सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर देता है बेसिक की। तो मतलब अगर कोई पर्सन 182 डेज रहता है तो उसकी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, अगर वो 60 डेज रहता है पिछले ईयर में और पिछले 4 साल ईयर में टोटल 365 डेज रहता है तो वो बेसिक कंडीशन सेकंड फुलफिल कर देता है। तो ये आपकी थी बेसिक कंडीशंस थी कि अगर वो ये भी फुलफिल कर देता है और ये भी फुलफिल कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है, अगर इन दोनों में से कोई एक करता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी हो जाता है, और अगर वो ये भी फुलफिल नहीं करता और ये भी फुलफिल नहीं करता तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है। ये थी बेसिक कंडीशन। अब सेकेंड है एडिशनल कंडीशन में कब आती है, अगर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है पूरी, तब उसके बाद आती है आपकी एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन में क्या बोलता है, इफ़ द एसएससी रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर, कि पिछले 10 साल में अगर वो 2 साल भी इंडिया में रहता है तो वो आपकी पहली कंडीशन फुलफिल करता है एडिशनल कंडीशन। अब दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है, इफ़ द एसएससी हैज़ बीन रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसमें ऐसे बोला है, अगर कोई इंडियन या कोई पर्सन इंडिया में रहता है कितने ईयर, 7 ईयर, पिछले 7 साल तक अगर इंडिया में रहता है और पिछले सात सालों में अगर वो 730 डेज कंप्लीट करता है तो वो आपके एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर लेता है। तो अगर वो जो पर्सन बेसिक भी फुलफिल कर ले तो रेसिडेंट, एडिशनल भी फुलफिल कर ले तो रेसिडेंट, ठीक है, और अगर वो एडिशनल कंडीशन एक फुलफिल करता है और एक फुलफिल नहीं करता तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है, और बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो आपका ये था आपका रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है। अब अगर समझ में आ गया होगा कि बेसिक कंडीशन क्या होती है और एडिशनल कंडीशन क्या होती है, तो बेसिक कंडीशन को आपको याद करना है और एडिशनल कंडीशन को आपको याद करना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे, एग्जाम में पूछे, तो आपको ये पूरा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, तभी आप मार्क्स अच्छे आएंगे। अब दूसरा आपका आता है, आपका आता है HUF। HUF में आपकी छोटी सी है कि अगर वो बेसिक कंडीशन, HUF की बेसिक कंडीशन है आपकी, अगर HUF द कंट्रोलर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ HUF सिचुएटेड होली इन इंडिया, अगर HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड होता है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, आपकी पहली बेसिक कंडीशन होगी। अगर द कंट्रोलर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर नॉट सिचुएटेड इंडिया, अगर मतलब आधा पार्ट इंडिया में सिचुएटेड है तो
वो आपकी दूसरी बेसिक कंडीशन होगी। अगर तक कर्ता, अब एडिशनल कंडीशन में क्या है, जो आपने इंडिविजुअल में पढ़ा था ना 10 ईयर्स में, अगर वो 2 ईयर्स भी रह जाता है तो वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लेता है। अगर वो पिछले सेवन ईयर्स में 730 डेज रह जाता है तो वो आपकी एडिशनल कंडीशन सेकेंड फुलफिल करता है। तो ये थी आपकी, अगर वो दोनों, अगर एडिशनल भी कंडीशन फुलफिल करता है, बेसिक भी कंडीशन फुलफिल करता है, तो वो क्या हो जाती है आपकी, आपकी हो जाती है ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है। अगर आपको वो बेसिक कंडीशन एक फुलफिल करता है और एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता, वो आपकी कौन सी हो जाती है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाती है। अगर कोई पर्सन बेसिक कंडीशन भी फुलफिल ना करे और एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल ना करे तो वो कौन सी हो जाती है, नॉन रेसिडेंट हो जाती है। तो आपका ये आपके सामने इसका चार्ट में बता रही हूँ, ये इसका चार्ट है, ठीक है। थर्ड है आपका रेसिडेंट स्टेटस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का रेसिडेंट स्टेटस कैसे जान सकते हैं, रेसिडेंट ऑफ स्टेटस ऑफ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का स्टेटस, या तो वो इंडियन कंपनी हो सकती है या वो एक कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी हो सकती है। दो कंडीशन बनती है कंपनी के केस में, या तो वो इंडियन कंपनी होगी या वो इंडिया के अलावा दूसरी कंपनी होगी, ठीक है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज होली सिचुएटेड इंडिया, अगर वो कंपनी पूरी सिचुएट इंडिया में सिचुएटेड है और उसका मैनेजमेंट भी कस में कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो इंडियन कंपनी होगी तो रेसिडेंट होगी, और अगर फॉरेन कंपनी होगी तो भी रेसिडेंट होगी, क्योंकि वो कहाँ है, इंडिया में सिचुएटेड। अगर इंडिया में है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो ये वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा और रेसिडेंट हो जाएगा। अब दूसरा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कि मतलब इंडिया में तो कंपनी है पर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो कहाँ है, इंडिया के बाहर है। तो अगर वो इंडियन कंपनी है तो क्या करेगी, टैक्स देगी, रेसिडेंट होगी। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगी, ठीक है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज पार्टली सिचुएटेड इंडिया, पार्टली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अब कंपनी का कुछ पार्ट तो इंडिया में सिचुएटेड है और कुछ पार्ट आउटसाइड में सिचुएटेड है मैनेजमेंट का, तो क्या होगा, इंडियन कंपनी होगी तो रेसिडेंट होगी, अगर फॉरेन कंपनी होगी तो नॉन रेसिडेंट होगी, ठीक है। ये था आपका कंपनी का, तो आप लास्ट है आपका, अब ये फोर्थ कंडीशन है रेसिडेंट स्टेटस एंड इंसिडेंस टैक्स एट ए ग्लैंस। इसमें क्या बताया गया है कि इनकम के बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी है या नॉन रेसिडेंट है। तो अगर आप इंडिया में अर्न कर रहे हो इनकम और रिसीव भी इंडिया में ही कर रहे हो तो वो टैक्सेबल होगा तीनों के लिए, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। पर जो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि इनकम नॉट अर्न इन इंडिया, इंडिया में नहीं कमा रहे हो आप इनकम पर इंडिया में रिसीव कर रहे हो, तो क्या होगा, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। थर्ड है इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम इंडिया में अर्न कर रहे हो बट नॉट रिसीव इन इंडिया, पर इंडिया में रिसीव नहीं कर रहे हो, इंडिया में कमा रहे हो पर इंडिया में रिसीव नहीं कर रहे हो और कहीं रिसीव कर रहे हो इंडिया के बाहर कर रहे हो, तो भी आपको टैक्सेबल होगा, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन में आपको ये होता है, फोर्थ कंडीशन में आपका आता है इनकम नॉट अर्न इन इंडिया और नॉट रिसीव इन इंडिया, आप इंडिया में भी नहीं कमा, इनकम इंडिया में भी नहीं अर्न कर रहे और इंडिया में भी रिसीव नहीं कर रहे हो, तो इसमें तीन कंडीशन बनती है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया में कंट्रोल हो रहा हो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन तो आपका ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा और नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। अब सेकंड है बिजनेस एंड प्रोफेशन नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल नहीं है इंडिया में तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा और इन दोनों के लिए नहीं होगा, पास्ट टैक्स फॉरेन इनकम इन तीनों के लिए ही टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ राइट का मतलब यह है कि यहाँ इनकम टैक्सेबल है, ठीक है, और रॉन्ग का मतलब यह है कि यहाँ इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो आपको मैं लास्ट में बस यही बोलूँगी, ये चार टेबल अगर आपको समझ में आई हैं तो अच्छी अच्छी बात है,
पर अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को वापस देखिए, और आपको पर आपको इन चार टेबलों को अच्छी तरह याद करना है आपको पास होने के लिए, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आएगा। तो आप प्लीज़ केयरलेस बिल्कुल मत होना, आपको इन टेबल इस साल आपको इन टेबल में से आपको एक टेबल पूछी गई थी, वो इंडिविजुअल की पूछी गई थी, तो इस साल आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड को अच्छी तरह घोल कर पी जाना है और आपको अच्छा स्कोर करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।